देखिए, सबसे पहले क्लीन चिट नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे आरोपों को खारिज किया है और आरोप क्यों घड़े गए इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक प्रकार से आप कह सकती हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये भी सिद्ध कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध किया है। जहां तक कैसा लगा का सवाल है, 18-19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को गले में उतार कर सहन कर कर लड़ता रहा और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बारा है, चमकता हुआ बारा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। पार्टी के अध्यक्ष से नाते भी कहते, क्योंकि परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं है, फैक्ट फैक्ट। परंतु संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक मोदी जी ने इसको प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसको हाँ 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया। और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से, और तीसरा, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है। और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वालों लोगों के सामने करा है। आरोप क्या था? दंगे मोटिवेटेड थे, दंगों में राज्य सरकार का हाथ था, दंगों में मुख्यमंत्री का हाथ था, यहां तक भी कह गए। आरोप ये था, दंगे से कौन इनकार कर रहा है? देश में दंगे कई जगह पे हुए हैं। आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकुट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। एसआईटी का ऑर्डर कोर्ट का नहीं था, एक एनजीओ ने एसआईटी की मांग करी, कोर्ट ने फॉर सेक ऑफ आस्किंग हमारे लॉयर को पूछा। हमारे लॉयर ने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। लंच आवर के बाद फिर से कोर्ट में हमारी सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ छुपाना ही नहीं, तो एसआईटी बने, हमें क्या आपत्ति। इट वॉज कंसेंटेड डिसीजन, गुजरात सरकार की रिकॉर्ड पर कंसेंट है, कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा। एनजीओ की मांग थी, गुजरात सरकार ने कंसेंट दी। हम बहस कर सकते थे मगर क्यों करें? एक पुलिस अफसर का नाम दिया है, एक एनजीओ का नाम दिया है, कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स का नाम दिया। परंतु दिल्ली में सेना का मुख्यालय है, दिल्ली में इतनी सेना है, जब इतने सारे सिख भाइयों बहनों को मार दिया, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। कितनी एसआईटी बनी? हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी बनी। कितनी अरेस्ट हुई? इतने सालों तक सिख नरसंहार में विपक्ष की सरकारें रही, कभी अरेस्ट नहीं हुई। और वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं पार्शियलिटी के, कि हम पर टैग लगाने का झूठा प्रयास किया। अब सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि झूठा टैग लगाने का प्रयास किया। आप लोकतंत्र में संविधान को भी नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मांगेंगे? क्या आधार था ये आरोप? और आधार था तो क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट में? एनजीओ थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं है उनका। उन्होंने हर थाने में इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करने वाली एप्लीकेशनें दे दी थी और मीडिया का दबाव इतना था, सभी एप्लीकेशनों को सच मानकर ट्रीट किया गया। बड़ी बात तो जनादेश होता है और जनता सब देखती है। 130 करोड़ लोगों के 260 करोड़ आंख होती है, 260 करोड़ कान होते हैं, सब देखती है, सब सुनती है। हम कभी चुनाव नहीं हारे, जनमानस ने, जनता ने कभी भी ये आरोप को स्वीकारा नहीं। मीडिया, एनजीओ और हमारी विरोधी पॉलिटिकल के लिए जिस तरह से 60 लोगों को जिंदा जला दिया, उसका समाज में आक्रोश था। और जब तक दंगे नहीं हुए तब तक किसी ने इसका क्रिटिसिज्म भी नहीं किया, एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी का एक भी स्टेटमेंट, पार्लियामेंट चल रही थी उसने, किसी ने दुख भी व्यक्त नहीं किया। इतनी बड़ी वोट बैंक पॉलिटिक्स होगी? विक्टिम्स का एफिडेविट एनजीओ ने साइन कर दिए, विक्टिम को मालूम ही नहीं है। जी की एनजीओ
ये सब कर रही थी। केवल और केवल और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई उसने ढेर सारी मदद करी है तीसरा सेक्टर लॉर्ड के एनजीओ को, ढेर सारी मदद करी है, सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है, मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया, उनकी छवि को हानि पहुंचाने के लिए किया गया, उनको दंगों के केस में उनकी लिप्तता बनाने के लिए किया है, मगर सत्य को कुछ नहीं होता है। ये लंबी लड़ाई मोदी जी ने बहुत धैर्यपूर्वक सारी वेदनाओं को वो विष को हजम करते हुए लड़े और आज चमकते सूर्य की तरह सत्य बाह रहा है, मोदी जी जीत कर बाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का वो इतिहास उठाकर देख लीजिए, लेबल हमने थोड़ी न लगाया है, लेबल फैक्ट के आधार पर थोड़ी न लगाया है। गुजरात में जब भी इन्वेस्टमेंट समिट होता था अखबारों में दंगों पर आर्टिकल आ जाते थे, 10 साल तक 12 साल तक कंटिन्यूअस आए। मोदी जी जब भी विदेश जाते थे उनको एम्ब्रेस करने के लिए विदेश के अखबारों में आर्टिकल छपाए गए। एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए कैसा हो सकता है? मुझे तो लगता है आप जैसे व्यक्तियों ने थीसिस लिखना चाहिए। पहले एक बात समझ लीजिए, आज का युवा नहीं जानता है, ऐसा आप कह सकते हो, इतिहास हजारों साल जिंदा रहता है और झूठे आरोप जो होते हैं उसका निरसन न्यायालय के माध्यम से होना बहुत जरूरी, और इसलिए लंबी लड़ाई 18-19 साल लंबी लड़ाई मोदी जी भी लड़े हैं और सत्य ढूंढने वाले लोग भी लड़े हैं और आज विजयी होकर बाहर आए। किसी भी अपप्रचार के सामने उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। इतिहास तो अपने आप बनते रहते, पहली बार एयर स्ट्राइक करना भी इतिहास है, पूरे दुनिया में भारत के गौरव को आसमान तक ले जाना भी इतिहास है। इतिहास की तो खैर बहुत सारी बातें हैं, परंतु झूठ के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए और मोदी जी डट कर लड़े हैं, धैर्यपूर्वक लड़े हैं और आज विजयी होकर बाहर आए। ये जजमेंट भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए, न केवल मोदी जी के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए। मोदी जी के लिए तो खैर आत्मसंतोष का विषय हो सकता है, हर कार्यकर्ता के लिए गौरव का विषय है कि आज जो झूठे आरोप हमारे सर्वोच्च नेतृत्व पर लगाए थे वो सारे खारिज हो गए। और दूसरी बात, ये दंगा होने का मूल कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था, 60 लोगों को, 16 दिन की बच्ची को माँ की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है, मेरे हाथ से अग्नि संस्कार किया है मैंने गोता गांव में, इसके कारण दंगे हुए थे। और आगे जो दंगे हुए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, रिजर्वेशन का आंदोलन हुआ दंगों में कन्वर्ट कर दिया गया। देखिए उस वक्त किसी को सोचने की सुध बुध ही नहीं थी, इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि जो 59 लोग मारे गए हैं इनके परिवार को उनका अंतिम संस्कार भी न करने देना, और कोई प्रोफेशनल इनपुट ऐसा नहीं था कि भाई इतनी बड़ी मात्रा में रिएक्शन आ जाएंगे। क्या देखना क्या था, जली हुई लाशें थी, दुख ही दुख था, आक्रंद था, रोष था, अगर घटना के कारण रोष इतने व्यापक मात्रा में था जिसकी भनक किसी को नहीं लगी, किसी को नहीं लगी थी, ना पुलिस को लगी थी ना किसी को लगी थी, और बाद में किसी के हाथ में ही नहीं। ये मोदी जी को कोई पहली क्लीन चिट नहीं है, नानावटी कमीशन ने भी क्लीन चिट दी है फिर भी एसआईटी बनाई गई, और मोदी जी एसआईटी के सामने कोई नाटक करते हुए नहीं गए थे कि मेरे समर्थन में आ जाओ, गांव गांव से आओ, नहीं आते तो फिर एमएलए को बुला लो, एमपी को बुला लो, एक्स एमपी को बुला लो और धरना करो। एसआईटी अगर चाहती है मुख्यमंत्री जी को कुछ सवाल पूछना तो मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। किस चीज का आंदोलन करना है, आंदोलन किस चीज का करना है, ये न्यायिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति न्याय की परिधि से बाहर नहीं है, ट्रायल के खिलाफ कोई भी न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ आंदोलन जस्टिफाइड नहीं होता है, क्योंकि हमारा व्यू था, वो व्यू सही तभी माना जाएगा जब न्याय की अदालत उस पर थप्पा मारे। परंतु जब न्याय की अदालत ने कहा कि मुझ पर गलत केस किया गया, मुझे फंसाने के लिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड साजिश थी सीबीआई की, तब इस पर थप्पा लगता है। मेरे कहने से कुछ नहीं, एक ही जजमेंट सेशन कोर्ट में आया, इसके खिलाफ आपने हाईकोर्ट में अपील की, हाईकोर्ट ने कड़ाई से, सेशन कोर्ट से ज्यादा कड़ाई से कहा, इसके खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी कड़ाई से कहा, फिर भी आप स्वीकार नहीं करते हो तो क्या कर सकते हैं। और दूसरा, डेट जिसने ली है इसका रिकॉर्ड न्याय की अदालतों में पड़ा हुआ है, देख लेना चाहिए जिसको भी इंटरेस्ट है उसने। हर बार एनजीओ ने डेट ली, लंबा खींचना, इश्यू को पेंडिंग रखना, पॉलिटिकल गेन चाहते थे। मैं जाक्या जी की बात नहीं कर रहा, जो एनजीओ साथ में लगे थे, जो पॉलिटिकल पार्टियां एनजीओ को फंडिंग कर रही थी और जो मीडिया के ग्रुप एनजीओ को
प्रसिद्धि दे रहे थे वो लोग। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना स्टेट की जिम्मेदारी है। भारत सरकार सहयोग कर सकती है, स्टेट की डिमांड पर सहयोग कर सकती है, और जब स्टेट को लगता है कि हमारी स्टेट की मशीनरी कम पड़ रही है या तो हमें ज्यादा मैन पावर चाहिए जो स्टेट के पास उपलब्ध नहीं है, तो रिजर्व फोर्स में से भारत सरकार की मैन पावर जाता है। ये व्यवस्था बहुत परफेक्ट है और हर स्टेट में कमोबेश भारत सरकार के CAPFs के बटालियन लगे हुए हैं। तो कहीं और से नहीं लाना है, मानो बिहार है तो SSB हमारी तुरंत घंटों में पहुंच सकते हैं। ममता जी को ना आप समझा सकते हो ना मैं समझा सकता हूं, छोड़िए इसके आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे तय होगा। पॉलिटिकल बातें करने के लिए हर एक को इस देश में स्वतंत्रता है।